वेलकम टू अ चैनल सेवलेंस है तो जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में करता हैं डिजाइन ऑफ स्फेरिकल डोम्स तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम्स तो शुरू करने से पहले अगर आप आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए तो डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम्स शुरू करने से इस पहले इसके फॉर्मुलस देख लेते हैं और एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं तो देखो कॉनिकल डोम इज ऑप्टेन बाय द रेवेशन ऑफ अ ट्राइंगल अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस तो स्पेरिकल हमारा क्या था आर्स थी सर्कल्स था तो अब इसमें हमारा क्या होता है ट्राइंगल होता है जो कि हमारे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होता है तो उसे हम कहते हैं कॉनिकल डोम तो देखो अब इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मुलाज होते हैं उसमें तो हमारे कंसेंट्रेट लोड का भी होता था और यूडीएल का भी होता है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है मैरिडोनल्ड थ्रस्ट हमारे यहाँ पे क्या आया था टी इज कल डब्ल्यू वाई बाई टू कॉस को डेटा देखो उसमें एच था राइज अब इसमें राइज हमारी क्या है सॉरी अब इसमें राइज हमारी है तो ये कंफ्यूज मत होना है एच लो, लो तो राइज तो राइज रहेगा और एक हमारी हु फोर्स होती है एच गल डब्ल्यू वाई टेन्स को थीटा और आपको पता है कि एक हमारा थम रूल है राइज का तो अगर आपको एक क्वेश्चन में नहीं दिया होता थम रूल तो आप यूज कर सकते हो कि राइज गल टू बाय लेंथ अपॉन फोर टू अपॉन तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आती है स्पैन हमारी ऐसे दी जाती है तो उसके बीच में जो भी वैल्यू होती है आप ले सकते हैं लेकिन मैंने आपको इसमें यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आपको राइस दी होगी तो अब वो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं तो देखो अब आता है डिजाइन अ क्रॉनिकल रूफ फॉर अ हॉल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर्स तो देखो अब एक क्रॉनिकल रूफ हमें डिजाइन करनी है किसके लिए हॉल के लिए, लिए करनी है जिसका डायमीटर 20 मीटर है द राइज ऑफ द रूफ इज टू बी 3.5 मीटर तो राइज हमें दिया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको पहले से अपना रूल बता दिया था तो देखो अज्यूम लाइव लोड लोड पर मीटर स्क्वायर डेड एम एनफोर्समेंट तो देखो एक चीज मैं बता दू मैंने आपको फॉर्माज अभी ना डेरिवेशन इनकी की के लिए सीधा दे क्योंकि यूट्यूब पे सारे इसलिए आते हैं आप इसीलिए पढ़ने आए कि आपको शॉर्टकट्स मिल जाए और इजीली आपको समझ आए तो मैंने कोई इसमें शॉर्टकट्स नहीं है लेकिन डेरिवेशन अगर आप चाहते हो कि की आपको मिले तो आप कमेंट कर देना अगर तीन चार कमेंट्स होते हैं तो मैं डेरिवेशन की वीडियो बना दूंगा तो देखो सबसे पहले आप शुरू करते हैं हमारी, है। हमारी राइस एम फिफ्टीन और माइल एनफोर्समेंट देखो एज्यूम सबसे पहले उसमें भी हमने करा था जो कि डोम देख के आया ना उसके लिए बहुत ही ईजी रहेगा जिसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं आप ये भी देख लो फिर उसके बाद वो देख लेना इसमें ऐसा नहीं कोई रिलेशन है लेकिन सेम सेम स्टेप्स है सारे देखो और नॉर्मल भी है हर बुक में आपको 100 एम mm मिलेगा तो देखो टोटल लोड आपको डेड लोड हमारा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब ही होता है एक तरह का हमारा कॉनिकल रूफ स्लैब हो जाएगा तो देखो लाइव लोड हमें में में तो फोर किलोमीटर पर मीटर स्क्र और फोर थाउजेंड न्यूटन पर एम स्क्वायर न्यूटन में क्यों है वो आपको अभी आगे पता चलेगा तो देखो उससे पहले हम आपको ये हमें थीटा भी निकालना देखो ये सारे हमने वैल्यूज लिख लिया तो ट्वेंटी थाउजेंड हमने एम एम mm में लिखा है। ये सारा हमारा एम mm एम में है तो इसलिए हमने mm में लिख लिया तो ये हमारा टेन थाउजेंड हो गया थीके? ये टेन थाउजेंड हो गया ठीक है इक्वली डिवाइड करता है मेरीडियम देखो मेडियम से हमारा जो थीटा बनता है आपको ये निकालना है तो कैसे निकलेगा देखो टेन टू पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर पे देखो आपका टेन हो जाएगा बेस आपका यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है ये मीटर्स में है तो टू पॉइंट एट फाइव सेवन वन तो यहाँ पे थीटा आपका क्या आया था सेवेंटी डिग्री फोर्टी टू मिनट तो आपका ये तो इजीली आपका थीटा निकल गया और बाकी वैल्यूज भी ऐसी निकल जाएंगे तो देखो आप आगे देखते हैं तो देखो जो हमारा थीटा जो हमारा एंगल निकला था सेवेंटी डिग्री फोर्टी टू मिनट्स तो देखो मुझे तो पता है कि टेस्ट थीटा ठीठा कॉस्को ठीक और साइन थीटा की वैल्यूज हमें यूज में आएंगे तो मैंने पहले से लिख के रख लिया तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले से लिखनी है ठीक है आप पहले से लिखना चाहते हो तो लिख लो नहीं तो बाद में क्वेश्चन में जब आएगा जैसे ये आपका ये मतलब सॉरी सोल्यूशन जब आएगा आपको फॉर्मुला में जैसे थीटा आ गया तो वहां पर आप निकाल सकते हो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आप यहाँ पे पहले ही निकालो देखो अब सीधा हम फॉर्मुला पर वही है कि सीधा फॉर्मुला पर आते हैं देखो स्ट्रेस निकालते हैं देखो मेडोनल थ्रस्ट हमारा टी क्या आता है डब्ल्यू वाई बाई टू कॉको ठीटा ठीक है अभी हमने देखा था तो फॉर्मुलाई टू कॉको ठीठा डब्बल्यू हमारा देखो क्या है फोर थाउजेंड देखो न्यूटन में करना था मैंने न्यूटन में जान बुझ करा कर कर की न्यूटन पर हमारी वैल्यू आएगी तो फोर थाउजेंड इंटू थ्री पॉइंट फाइव हमारा राइस थी एट बाई टू कॉस्को टीट को हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ जीरो पॉइंट वन जीरो नाइन तो जीरो पॉइंट वन जीरो नाइन हमने डाला तो हमारे यहाँ पे मेडोनल थ्रस्ट हमारा क्या आ गया टी इज न्यूटन ठीक है अब देखो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कॉम्प्रेशन होता है ये मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में समझाया था फेरिकल डोम्स वाले में कि जब जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मतलब कम्प्रेशन में नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारी टेंशन में है। ठीक है तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने सी लगा दिया कम्प्रेशन ठीक है अब देखो आप माइंडो स्ट्रेस निकालते दे। देखो स्ट्रेस आपको पता क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ठीक है देखो फोर्स तो अभी टी आ जाएगी देखो सिक्स फोर टू टू जीरो पॉइंट वन एट जो भी हमने निकाला एरिया हमारा देखो टी टू बी आएगा बी इंटू डी नहीं होएगा d हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो t इंटू बी होगा तो t हमारी यहाँ पे थिकनेस हमने 100 एम mm एम ली थी तो वही हमने ले दी b हमारी यहाँ पे क्या थी थाउजेंड बी आपको पता है हमेशा आपका थाउजेंड एम एम आपका यूनिवर्सली है ये आपको हर डिजाइन में बी आपको इतना ही लेना है तो इंटू थाउजेंड एमएम ने ऐसे कर दिया तो यहाँ आपकी आपकी वैल्यू आ गई स्ट्रेस की जीरो पॉइंट सिक्स फोर न्यूटन पर एम स्क्वेर सेफ तो हमने सेफ की लिख दिया तो ये हमारी सेफ इतनी आती है मेरीडोनल स्ट्रेस हमारी जीरो पॉइंट सिक्स फोर न्यूटन पर एम एम अब हम निकालते हैं फोर्स तो देखो हु फोर्स का आपको दिखा दिया था डब्ल्यू वाई थीटा तो टेंस को टीटा की हमने पहले से वैल्यू निकाल के रखी थी वो तो आपको फिर से दिखाया तो देखो एट पॉइंट वन सिक्स टू देखो फोर थाउजेंड इंटू राइज हमारा थ्री पॉइंट फाइव इंटू एट पॉइंट वन सिक्स टू देखो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है कॉनिकल तो बहुत हीजी है स्फेरिकल भी बहुत ईजी था लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है ये थोड़ा सा कम लेंथी है देखो फोर थाउजेंड इंट थ्री पॉइंट फाइव इंटू एट पॉइंट वन सिक्स टू तो यहाँ पे आपकी हु फोर्स क्या निकलती वन वन फोर टू डबल जीरो न्यूटन तो ये भी हम आपको पॉजिटिव है कॉम्प्रेशन में तो हूब स्ट्रेस निकालना तो वही फोर्स अपॉन एरिया तो वन वन फोर टू डबल जीरो डिवाइडेड बाई टी इंटू बी हंड्रेड इंटू थाउजेंड जो आपका ये बी हो जाएगा और ये आपका टी तो आपका क्या आया था न्यूटन पर आता है तो आपकी हूब स्ट्रेस आ आई ठीक है आ गई तो देखो अब ये तो पता चलता है कि हमारे बहुत छोटे छोटे स्ट्रेसिस हैं ठीक है थी? वो उसकी वैल्यू क्या आती है जीरो पॉइंट सिक्स फोर आई थी जीरो पॉइंट सिक्स फोर और अब आपकी इसकी वैल्यू आती है वन पॉइंट वन फोर टू ठीक है अब स्ट्रेसिस तो बहुत कम है तो मतलब कि हमें डोमिनेट फोर्स प्रोवाइड करनी है प्रोवाइड नॉमिनल एनफोर्समेंट एरोइंट टू परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंक्रीट तो जीरो पॉइंट टू नहीं लेना जीरो पॉइंट वन फाइव भी ले सकते हो ये सब आप पर है एज पर चॉइस है ये सारी है लेकिन अगर आपको माइल्ड स्टील दिया तो जीरो पॉइंट वन फाइव से ऊपर ऊपर ही लेना ठीक है तो जीरो पॉइंट वन फाइव से हमें माइल्ड स्टील दिया तो जीरो पॉइंट वन फाइव से ऊपर ऊपर लेना तो जीरो पॉइंट वन फाइव भी ले सकते हो जीरो पॉइंट टू भी ले सकते हो तो जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंक्रीट मैंने लिया है देखो एरिया ऑफ स्टील के यहाँ पे क्या निकला मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट क्या निकल जाएगा देखो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट तो टी इन बी तो था और इंटू में हंड्रेड एटी आपका, है, तो आ है। आपका ये आ है, पूरा ये एरिया ऑफ स्टील है एस टी लिख सकते हो आप एरिया ऑफ स्टील तो अब यूजिंग एम डाया बारा बार यूज कर लो कि वैल्यू छोटी है अगर आप यहाँ पे सिक्स भी करना चाहते हो तो सिक्स भी कर सकते हो टेन करना चाहते टेन भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यूजिंग एट एम डायबार एरिया ऑफ वन बार कितना आएगा आएगा मतलब फिफ्टी पॉइंट कुछ है हमने अप्रोक्स फिफ्टी ले लिया तो यहाँ से स्पेसिंग हमारे देखो क्या आते हैं फिफ्टी इंटू हमारी आपको स्पेसिंग पता क्या होता है मतलब एरिया ऑफ वन बार इंटू बी बाय एरिया ऑफ स्टील तो ए एस टी आपका देखो टू हंड्रेड था ये हमारा फिफ्टी इंटू थाउजेंड हो गया इसको टू फिफ्टी मैंने इससे कम ले दी स्पेसिंग टू फिफ्टी से मैंने टू हंड्रेड मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना वैल्यूज ना ज्यादा जीरो जीरो में आए ना तो ज्यादा ईजी है तो मैंने टू फिफ्टी से टू हंड्रेड ले ली तो से टू हंड्रेड मीटर एम एम सेंटर टू सेंटर तुम्हारे तो हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है प्रोवाइड जो डोम है जो हमारा ये अपना जो हमारा ये क्रॉनिकल डोम है ना इसका जो हमारा ये एरिया निकला है ना मतलब कि जो इसके ये निकली है मतलब इन्फोर्समेंट जो हमारे ऐसे यहाँ यहाँ लगेगी जो सारी हमारी ऐसे ऐसे इन्फोर्समेंट जो हमारी ये ऐसे लगेगी ना वो भी आपको लास्ट में इन्फोर्समेंट डायग्राम दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से कंफर्म होगा आपको देखो ऐसे जो हमारे इन्फोर्समेंट डलेगी वो अभी हमने निकाली प्रोवाइड ए टी एम डायब बार्ड्स एट टू हंड्रेड एम एम सेंटर बोथ वे तो दोनों साइड हमें एक चीजें डालनी है ये चीज तो आपकी निकल गई अब मैंने आपको कहा था कि रिंग बीम भी हमारा पे डिजाइन होता है ठीक है रिंग बीम भी आपका डिजाइन होगा तो अब हम देखते हैं कि रिंग बीम कैसे डिजाइन होगा तो देखो ये आगे हमारा डिजाइन ऑफ रिंग बीम तो देखो लेट पी बी दिजोनटल कम्पोनेट ऑफ द मेडन थ्रस्ट पर मीटर ठीक है पर मीटर हमारा डल रहा है लेकिन बेस पे लगेगा ठीक है तो यहाँ पे बहुत अलग सी चीज है कि हमारे टल कॉम्पोनेंट में हमारा टी क्या आता कू साइन ठीक है, थीटा में आता है टी थीटा में आता है हमेशा कॉस आता है मैंने स्पेिकल डोम में भी बोला था कि वहां पे भी कॉस थीट थीटा है लेकिन तो आपका कोनिकल डोम में हमेशा साइन थीटा आएगा तो पी टी साइन अभी हमने निकाला था सिक्स फोर टू टू जीरो पॉइंट वन एट इंटू हमारे साइन थीटा में अभी आपको वैल्यू मैंने निकाल ली थी पहले से तो आप वो वैल्यू दे सकते हो देखो साइन की मैंने निकाली सेवन डिग्री फोर्टी टू मिनट्स पे निकाली जीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री एट तो जीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री एट साइन डिग्री आपको वही रहेगा मतलब ये जो आपका थीटा एंगल वही आप रहेगा तो पी आपका यहाँ पे क्या था सिक्स जीरो सिक्स वन वन पॉइंट्स में कुछ आ रहा था मैंने सिर्फ एक एक्जेक्ट वैल्यू ले सिक्स जीरो सिक्स वन वन न्यूटन पर मीटर तो हमारी क्या हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कॉम्पोनेट हमारा पूरा ही निकल गया ठीक है अब ये चीज निकल गई अब हमें टेंसाइल फोर्स निकालने देखो तो टोटल टेंसाइल फोर्स टू रप्चर रिंग बीम तो वो फोर्स निकालनी है ठीक है जिससे हमारा रपच्चर हो जाएगा रिंग में थोड़ा सा कम हो जाएगा बस बस हमने उस फोर्स को लेते हुए हमें अपना डिजाइन करना है ठीक है मतलब कि उस फोर्स को अगर उससे ज्यादा लगे तो फिर तो रपच्चर हो ही जाएगा लेकिन हमने ऐसा स्टील डालना कि उस फोर्स तक तो हो ना कि हमारे पास पूरा ऐसे सेफ रहे हमारा तो देखो पी इसका क्या हमारा थर्म रूल होता देखो, P, do, है देखो पी इंटू डी बाई टू डी हमारा यहाँ पे क्या है आप पैन लेंथ ले लो या फिर डायमीटर यहाँ पे डायमीटर बोला हो तो ट्वेंटी बाई टू तो हमें ट्वेंटी बोला था डायमीटर तो हमने डी ट्वेंटी बाई टू ले लिया यहाँ पे सिक्स जीरो सिक्स वन वन जो अभी हमने पी निकाला था तो यहाँ पे हमारे क्या वैल्यू आ जाती है हमारी टेंसाइल फोर्स की सिक्स जीरो सिक्स वन वन जीरो न्यूटन अब ये आपकी चीज आ गई अब आपको पता है कि देखो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा देखो अब मैं बताता तो यहाँ पे आपको पता है सिग्मा इक्वल टू फोर्स एरिया होता है एरिया हमने यहाँ पे रखा फोर्स सिग्मा हमने ऐसे ले लिया तो देखो फोर्स तो हमारी आगे सिक्स जीरो सिक्स वन वन जीरो न्यूटन लेकिन अब आप पूछोगे सिग्मा कहाँ से आया सिग्मा वन फोर्टी कहाँ से तो अभी मैं वो दिखाया था तो वो आपका आई एस कोर्ट से आया है तो देखो आई एस कोर्ट में नेक्स्ट ईयर बी में आपका देखोगे टेबल नंबर ट्वेंटी टू पेज नंबर बताता एट्टी टू है तो आप यहाँ पे देख सकते हो देखो टेंशन जो है आपकी प्रिंसिपल स्टील एनफोर्समेंट है हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करते हैं ये देखो अप टू एन इक्लूडे ट्वेंटी एम तक हमारा ओवर ट्वेंटी जा रहा तक ही आया हम तो देखो ओवर ट्वेंटी लेना है हमेशा आपको वन फोर्टी लेना है तो हमने यहाँ पे वन फोर्टी हमने सिग्मा ले लिया अपना तो हमारे यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील क्या आया था देखो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड क्या आया था आता है स्कोर रिंग बीम में ठीक है डिजाइन ऑफ रिंग बीम कर रहे हैं क्योंकि डोम का जब खत्म हो गया तो डिजाइन ऑफ रिंग बीम कर रहे हैं तो इतना आपको एरिया चाहिए स्टील का ठीक है ये आपका निकल गया अब इससे हम नंबर ऑफ बार्स भी निकाल लेते हैं देखो तो नंबर ऑफ बार्स कैसे यूजिंग ट्वेंटी एम mm डाय बार्स तो एरिया बहुत ज्यादा है तो मैंने ट्वेंटी एम mm डाया बारि पता पता चल गया कि मतलब एरिया इतना ज्यादा तो मतलब ये आपको मोटा चाहिए थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए टू तो एम एम mm डाय बार तो आप ट्वेंटी भी ले सकते थे सिक्सटीन ले सकते ट्वेल्व ले सकते टेन ले सकते वो सब आप पर है ठीक है लेकिन मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल वर्जन भी आपको बता रहा हूँ बार्स आप ले सकते हो तो आपका एरिया वन बार क्या आएगा थ्री एटी एम एम स्क्वेर कैसे आ देखो मतलब मतलब तो टोटल एरिया एरिया तो ठीक है निकालने हमने एक ज़्यादा ले लिया राउंड ऑफ करके ज्यादा करेंगे कम कभी मत करना हमेशा ज्यादा करना तो तो बारह नंबर हमारे आगे बार्स के दो इसका मतलब क्या हुआ कि देर फोर प्रोवाइड बारह बाईस एवं डाय बार्स तो मतलब ये जो हमारे बारह बार्स ऐसे ऐसे डलेंगे हमारे जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको इनफोर्स डायग्राम तो हमारे रिंग बीम में तो ऐसे डल गए लेकिन हमें रिंग बीम का साइज तो पता नहीं तो हम साइज भी निकाले जिससे हमें बी इंटू डी हमारे रिंग बीम का पता। रिंग बीम का ये मतलब नहीं होता कि वो गोल होता है रिंग बीम रिंग बीम का मतलब होता है तो ऐसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वेर में होता है लेकिन वो ऐसे सर्कल काट रहा होता है ठीक है डोंग में जैसे ऐसे सर्कल नीचे काट रहा होता है तो हम वो डायमेंशन अभी इसकी निकालते हैं तो देखो अब आता है इक्विल एरिया ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन तो देखो इसका रोल क्या है ए प्लस ब्रैकेट में एम माइनस वन ब्रेकेट क्लोज ए एस टी डी एरिया ऑफ स्टील जो भी हमने निकाला था ठीक है तो देखो इक्वेलट एरिया कौन से सेक्शन तो पूरे सेक्शन का एरिया क्या होता है देखो इसके इक्वेलट के देखो ये मैं आपको बारह समझाता हूँ लेकिन पहले एम देखते हैं तो यहाँ पे एम के हमारा वेयर एम एस गल्ड मॉडलर रेशियो मॉडुलर रेशियो हमारी एम है यहाँ पे देखो एम एस गल टू ए सी बी सी तो आप पूछोग कहां से आया तो अभी मैं दिखाता हूँ देखो ये आया टू पॉइंट वन पॉइंट टू डी का क्लॉज नंबर है हमारा आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में तो अभी दिखायाता हूँ तो देखो ये आ गए हम एक्ज बी क्लॉज नंबर बी टू पॉइंट टू डी में तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ द मॉडल रेशियो एम एज द वैल्यू टू एट्टी बाई थ्री सिग्मा सीबीसी सीबीसी प्रिंसिपल ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर एम स्पेसिफाइड इन टेबल नंबर ट्वेंटी वन तो आपको फॉर्मूला पता लग गया अब सिग्मा सीबीसी की वैल्यू भी निकाले तो वो हमने टेबल नंबर ट्वेंटी वन पर बोला है, जो कि हमारा सिर्फ नेक्स्ट पेज पर ही है सीधा तो नेक्स्ट पेज पर आप देखो दिए हो तो यहाँ पेसिंग कम्प्रेशन हमारा यहाँ पे क्या निकला फाइव निकला तो मैंने पहले से सर्कल करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको अभी सॉल्व करा तो देखो फाइव हमारा ये आ गया एम फिफ्टीन पे हमारा फाइव आ गया तो यहाँ पे हम सिंपली हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं देखो फाइव हमने यहाँ पे पुट करा तो हमारा एम क्या आ गया यहाँ पे नाइनटीन आ गया तो एम हमारा नाइनटीन आ गया तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है अब देखो ये वाला जो है ना एरिया ये मैं आपको बताता मतलब ये वाला फॉर्मुला कहाँ से आया तो देखो ये भी हमारा बी से ही आता है लेकिन यहाँ पे है तो थोड़ा सा ना इसको ना हमने मॉडिफाई करा हुआ है तो यहाँ पे ये यह फॉर्मूला आपको देखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको तो पूछता भी कोई है कोई कहां से लिया तो आप सिंपल इन एक्ल बी लिख सकते हो बी वन पॉइंट थ्री फॉर डिजाइन ऑफ मेंबर्स में आप ये यह चीज यहाँ पे लिख सकते हो तो आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये फॉर्मुला याद होना तो चाहिए तभी मैंने ब्लू पेन से करा है जो जो मैंने ब्लू पेन से करा है मतलब की वो हमारा एक तरह का रूल है या फिर हम एजम्पन ले रहे हैं तो ए प्लस एम माइनस वन एस टी हमारे ऐसे हो गया तो हमने सारी वे डाली तो ए प्लस ए टू जीरो एट जीरो हो गया तो आप पूछोगे सर ए क्या है ए हमारा यहाँ पे क्या है इज द सेक्शनल एरिया ऑफ रिंग बीम

तो वही है सिग्मा तो हमारा ये आ गया देखो लगभग टेंसाइल स्ट्रेस ठीक है अब एरिया देखो फोर्स के हमारे ये जो हमने निकाला था सिक्स जीरो सिक्स वन वन जीरो अभी आपको दिखाता हूँ तो देखो ये अभी हमने निकाला था सिक्स जीरो सिक्स वन वन जीरो हमारा ये फोर्स आगी ठीक है एरिया आपका ये आ गया इक्वलेंट एरिया ऑफ कॉम्प्रेस सेक्शन एरिया प्लस मतलब एरिया ऑफ रिंग बीम प्लस एट टू जीरो एट जीरो तो यहाँ से आपने ये डाला तो यहाँ से आपकी वैल्यू एरिया ऑफ रिंग बीम यहाँ पे क्या आएगी रिंग बीम की एरिया आई फोर टू जीरो वन वन पॉइंट सिक्स सेवन तो आप सिंपल अप्रॉक्स भी सकते 4, 2, 3, 00, 000, मतलब ले सकते थे जीरो या फिर ट्रिपल जीरो दिक्कत की बात नहीं है तो यहाँ पे हमने देखो अब इसको देखते हुए जब आपका एरिया आएगा पूरा तो नाइन हंड्रेड एम एम इंटू फाइव हंड्रेड एम एम आपका ये हो जाएगा देखो कैसे फोर्टी फाइव आ जाएगा यहाँ पे फोर्टी फाइव हो जाएगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेना पर अप्रोक्स वैल्यू में लेना कहीं आप इसको डिवाइड बाय टू करने बैठ जाओ या कुछ ऐसे करने बैठ जाओ तो क्या पता ही नहीं क्या आ जाएगा जैसे नाइन वन फाइव इंटू में फाइव टू फाइव कुछ ऐसा मत ले लेना कोई भी वैल्यू हमेशा तो ऐसे ले लेना नाइन हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड तो देखो अब आगे देखते हो हमें इसमें क्या करना है तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा रिंग बीम का क्या साइज है नाइन हंड्रेड mm एम एम इंटू फाइव हंड्रेड एम एम सारा हमें पता चल गया तो प्रोवाइड द रिंग बीम ऑफ साइज नाइन हंड्रेड एम ए इंटू फाइव हंड्रेड एम एम तो अब इसमें एक मिनिमम शीर इन्फोर्समेंट भी निकालनी होती है तो अब वो निकालते हो हम तो देखो अब आते हैं मिनिमम शेर इन्फोर्समेंट ये टीरफ की फॉर्म में दी जाती है आपको दिखाया तो ये फॉर्मुला कहां से है एसवी का हमारा Clause number तो नंबर तो अगर आपको देखना तो फोर्ट एट है तो यहाँ पे मैंने बस एसवी रखा बाकी सारी चीजें मैं इधर उधर ले गया तो यहाँ पे एसवी का ये वाला फॉर्मला आ गया तो देखो एसवी का स्टीरफ स्पेसिंग हमें स्पेसिंग तो निकालनी है और हमें देखना ए एसवी तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इन शेयर तो वो भी देख लेता कैसे निकलता है तो देखो हम यहाँ पे लिखा देखो यूजिंग टेन एम एम डाया फोर लैक्प तो हमने ज्यूम कर लिया तभी ब्लू पेन से लिखा यूज एम एम डाया फोर लैक्स तो हमने ज्यूम कराया तो उसका एरिया क्या देखो फोर इंटू फाइव बाई फोर इंटू डाय स्क्र ठीक है डाय स्क्वायर ऐसे ए एसवी हमारा निकल गया तो हम सिर्फ स्पेसिंग रहेगी तो यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल देंगे तो देखो जीरो पॉइंट एट सेवन इंटू एफ वाई हमने टू फिफ्टी डाल दिया है जरूरी ने आपको हमेशा फोर वन फाइव लो या फिर फाइव हंड्रेड लो कम भी देखते टू फिफ्टी ले लिया हमने इंटू थ्री वन फोर हमारी ये आई ए एस की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी फोर लैस सिरप्स की वैल्यू है एरिया ऑफ फोर लैस डिवाइडेड बाई पॉइंट फोर इंटू जो बी है ना ये वाला बी वो नहीं है कि अब थाउजेंड एम एम ले ये वो वाला बी नहीं रिंग बीम का बी है मैं दिखा भी देता हूं आपको हमने करा था देखो ये हमने करा था ना साइज हमारा हमने इसीलिए निकाला था साइज भी तो आपको पता होना चाहिए और उसी से हमारे मिनिमम ये हमारा बी इंटू डी होता है तो बी हमारा यहाँ पे नाइन हंड्रेड आ जाता है नाइन हंड्रेड आ गया तो ऐसे स्पेश अप्रोक्स हमारी वन वन एट्टी नाइन है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू लो और परफेक्ट वैल्यू लो कहीं आप पे ले लेते वो भी अप्रोक्स कोई अच्छी वैल्यू नहीं है तो आप टू हंड्रेड परफेक्ट है वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल भी ये चीज करते हो तो आपको ईजी रहता है देखो ऐसी हमारी स्पेसिंग आया तो टू हंड्रेड एम एम सेंट्रल सेंटर तो यहाँ से क्या निकलता है देखो प्रोवाइड टेन एम एम डाया फोर लेक्सर देखो टेन एम एम डाया फोर लेरप्स हमें सिर्फ स्पेसिंग आने थी स्टीरप्स तो हमें पता ही था फोर लेक्सर लेने हैं किस डाय के लेने वो आप पर है सिर एट टू हंड्रेड एम सेंटर डिजाइन खत्म होता तो है तो हमने डोम का भी निकाले, रिंग बीम का निकाले निकाले और हमने भी और तो सिर्फ लास्ट चीज जो हमारी क्या रहगी है एनफोर्समेंट ड्रॉइंग तो जिसमें हमने सारा कुछ हम कंपाइल कर देते हैं तो वो भी देख लेते हो तो देखो ये आगे हमारी पूरी इन्फोर्समेंट डिटेल्स का पूरा डायग्राम देखो इसमें मैं आपको बता हूँ ये मैंने वैसी लाइन लगाई हुई है ताकि आपको बता दो डिफ्रेंशियट कर एक साइड है ये एक साइड अपने ऐसे काट दिए चीज ऐसे काट दिए बीच में से तो अब उसके हम देख रहे हैं। अगर हमने बटर ऐसे तो न, तो वो भी वो भी अग को ऐसे काटा तो उसका प्लेन एरिया दिखता ना तो चीज देख रहे हमने डोम का निकालता सेंटर तो देखो अब हमने डोम का देखो डोम हमारा कोनिकल डोम है तो उसमें हमने दिखा दिया आपको ये सारे हमारे बोर्डवेज लगेंगे एटेम डाया टू नड एम एम सेंटर पे हमारे सारे ऐसे स्पेसिंग में हमारे लगेंगे देखो उसके बाद हमने करा था डिजाइन ऑफ तो रिंगिंग में हमने क्या करा था प्रोवाइड ट्वेल बार्स बारह एम डाय के ठीक है ना कि मतलब बारह हमने बार्स प्रोवाइड करवाए थे तो देखो बारह हमारे यहाँ पे मैं आपको काउंट भी करवा देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ऐसे आप ये मत सोचना कि आपने वहां पे बारह लिख दिया तो यहाँ पे आप कम दिखा दो तो डिजाइन में हमेशा परफेक्ट चीज दें क्योंकि डिजाइन के ज्यादा मार्क्स होते हैं तो डिजाइन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए जैसे मेरा देखो आप पूरा नीट है ना तो वैसे ही आपको भी एग्जाम में बनाना है देखो आपने ऐसे बारह ऐसे दिखाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बारह बार्स हमारे बाईस एम एम डाय के हमने आपने सिरप भी निकाली थे वो भी मैं आपको दिखा देता तो देखो हमने सिरप निकाली थी ना प्रोवाइड टेन एम डाया फोर लेट्स एट टू हंड्रेड एम एम सेंडो सेंटर तो वही हमने यहाँ पे भी दिखाई थी ये हमारी सारी स्टीरप है ये जो हमारी डली है बीच में लाइन तो हमारी है तो एम एम एट सेंटर ठीक है अब हमने लास्ट एक जो चीज थी वो था प्रोवाइड द रिंग बीम ऑफ साइज नाइन हंड्रेड एम एम इंटू फाइव हंड्रेड एम एम तो ये आपको दिख रहा होगा नाइन हंड्रेड एम एम इंटू फाइव हंड्रेड एम एम हमारा था साइज ऑफ रिंग बीम तो वही मैं दिखाई देखो बी नाइन हंड्रेड एम एम डी हमारा आई के फाइव हंड्रेड एम एम तो यहाँ से ये देखो आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है कॉनिकल डोम मेरे ख्याल से सिर्फ वीडियो ट्वेंटी मिनट्स की बनेगी और स्फेरिकल डोम की थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स की बनेगी तो मतलब कि आपको तकरीबन एक घंटे में आपका पूरा डोम्स चैप्टर खत्म हो जाता है विद परफेक्ट नॉलेज तो ये था हमारा आज का लेक्चर डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम्स तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और माय चैनल सीम साइक्र जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग